असीम भाई बहुत बहुत वालेकुम सलाम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपका बहुत बहुत शुक्रिया सोहेल भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। असीम भाई जरा जजाकल्ला खैर। उस्ताद आ जाओ, आइए उस्ताद, आप इनको सानू भाई को पीना दो। आ जाओ सानू भाई, सानू भाई ये पॉज किया मैंने सही। सानू बाबा मोबदार भाई को पीना। सुब्रान भाई आज मेहमान है हमारे। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू अ न्यू सीरीज ऑफ वीडियोस। हम लोग आ चुके हैं आज रॉयल पैलेस पे। वी आर एट रॉयल मुखी गोट फार्म। माशाल्लाह काफ़ी एक जानी मानी हस्ती अहमदाबाद की, हमारे भाई सोहेल भाई, हम उनसे बात करेंगे, उनके फार्म का एक पूरा टूर देंगे आपको। सोहेल भाई हमारे साथ में ही हैं। सोहेल भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? बस अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हो भाई? मैं बहुत अच्छा हूँ, अल्लाह का शुक्र है भाई। हमेशा की तरह आपसे मिल के बहुत खुशी होती है। और आज हमारा आना हुआ है सोहेल भाई के यहाँ पर। माशाल्लाह काफ़ी इज्जत दी भाई आपने, हार फूल भी पिना है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपका शुक्रिया भाई, आप टाइम निकाल के यहाँ पर आए, हमें भी खिदमत का मौका दिया, माशाल्लाह। सो हमारा जो फार्म है जी, मेन पतीरा में हम लोग काम कर रहे हैं। मेन पतीरा में कर रहे हैं, प्योर पतीरा में अभी कर रहे हैं, अभी प्योर पतीरा में ही कर रहे हैं, प्योर हाइट पैड पे नहीं कर रहे हैं। नहीं, हाई पैड पे नहीं कर रहे है ना। तो आज का जो हमारा टॉपिक होगा, एक तो आपके ब्रीडर देखने हैं हमको जी, एक मेरे को बहुत जन मैसेज किए थे कि रॉयल मुखी गोट फार्म पे जो ब्रीडर है वो देसी बकरी पे भी अपने जैसा रिजल्ट ला रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। और ये तो बकरी की क्या है, खानदानी निशानी है जी। देखो, एक तो उसका बाप भी मेरे पास था जी, उसके बाप का बाप भी मेरे पास था जी, उसके बाप के बाप का नाम है सुल्तान जी, फिर जो मेन ब्रीडर है उसका नाम अजान, अजान के बाप का नाम नवाब, नवाब के बाप का नाम अजान, यानी तीसरी पीढ़ी है ये मेरे पास जी। हाँ, यानी खानदानी है ये पूरा। ठीक, सो अंदर चलते हैं सोहेल भाई और आपका एक सेटअप का ओवरव्यू दे देते हैं जी भाई। इसके बाद में हम छोटे छोटे वीडियो बना लेंगे जिसमें आपके ब्रीडर को इंशाल्लाह दिखाएंगे। इंशाल्ला। और सोहेल भाई, लोग आपके पास में पलाई पे भी बकरे बकरियां भी रखते हैं जी जी, तो अगर किसी को अपनी बकरी रखानी है एंड वो सब रखेंगे आप यहाँ पर? जी इंशाल्लाह रखेंगे, लेकिन अभी थोड़ा हम रमजान महीने के बाद। अच्छा, अगर किसी को अभी इमरजेंसी में तो फ़ोन कर सकते हैं आपको? हाँ, इमरजेंसी में फ़ोन कर ले मुझे एक मरतबा, अगर मुझे लगेगा हाँ इमरजेंसी जैसा है तो रख लूँगा मैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो एक वॉक करते हैं अंदर एंड विल सी रॉयल मुखी सेटअप इंशाल्लाह। सो माशाल्लाह ये सेटअप तो पहले से देख रहे हैं हम लोग। और ये आपका मेन ब्रीडर है ना? जी भाई, मेन ब्रीडर है, अजान नाम है इसका, अजान प्योर पतीरा, अभी जस्ट फ्रेश 8 दांत किए इसने माशाल्लाह। 40 हाइट है, 40 प्लस तो नहीं बोलूंगा लेकिन 40 हाइट है, बाल आने के बाद 40 प्लस दिखता है। तो पतीरा में क्या इतनी हाइट कॉमन है या इसमें कुछ एक्स्ट्रा है? नहीं, इसमें एक्स्ट्रा है, पतीरा में नॉर्मल हाइट 38 से 40 रहती है। हाँ, ये इनफ है ये हाइट, यानी ये हाइट तक का प्योर पतीरा में आता है जी। आप इसका देखो, एक तो मॉडल देख लीजिए, झालर देखिए इसकी। आपने अगर मेरे बाकी वीडियोस देखते हो, मैं कई बार आपका जिक्र करता हूँ, आपने देखा है जी, जब मैं राउंड मॉडल की बात करता हूँ। हाँ, मैं पहली बार आपके मुंह से सुना था ये बात। देखो ये नर मॉडल, राउंड मॉडल, ये जो पूरा राउंड शेप है ये जी, नाक का भाग उपसा हुआ है ठीक है, और यहाँ से भी पूरा राउंड है जी, लंबा नहीं है इसका, इसको पूरा राउंड बोलते हैं। और इसका नॉर्मली पंच है, प्योर पंच नहीं है। हाँ, नॉर्मल इसको क्या बोलेंगे, हम्प, ये हाँ, क्या है ये? बस कुदरती ऐसी एक चीज होती है इनमें, है ना, ये मैं बहुत ये कम बकरों में देखा हूँ, लेकिन हाँ, बहुत बड़े बड़ा हो जाता है कभी। हाँ, ये अभी जैसा भी जितना बड़ा होगा ना, इतना बड़ा होके जाएगा ये जी, और थोड़े थोड़े टाइम के बाद ये इतना हो जाएगा पूरा। तो यही बकरे से आप ब्रीड ले रहे हो? जी, इससे ही ब्रीड ले रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह इसके रिजल्ट भी है मेरे पास जी। और ये वही बकरा है क्या जो देसी बकरियों पे भी वाइट बच्चे ला रहे हैं? आपने ये यही है, यही है ना। हाँ,
तो कुछ रिजल्ट दिखाएंगे आप इसका? जी मैं इसका रिजल्ट बता देता हूँ आपको। ये फीमेल है, वाइट डॉग में बच्चे दे रहा है भाई। ये फीमेल है, ठीक है, पूरी वाइट गुलाबी में है। आप देखिए इसका मॉडल, देखिए कान, देखिए इसके आईज, देखो गला पट्टी, झालर है बच्चे को। ये अभी 10-15 दिन का है। हाँ ये 15-17 दिन की फीमेल है। देखिए आप मार्बल खुर में पूरी वाइट में है, क्या गुलाबी है। देखिए इसकी माँ भी बता देता हूँ मैं आपको। हाँ तो लोगों को एक आइडिया हो जाएगा। ये इसकी माँ है। अच्छा इसकी माँ पूरी वाइट में है लेकिन मेली है। अच्छा इसकी लाल चमड़ी। ये माँ हाइट पैड है क्या हैदराबादी है? हाई पैड में है इसकी। हाइट पैड में। हाँ हाई पैड में है। देखो तो जमुना पारी क्रॉस में सी आई हुई है, फिर भी पंच वगैरह है उसको जी। लेकिन क्या है लाल चमड़ी में है। लाल चमड़ी में फिर भी उसके अंदर बच्चा वाइट गुलाबी आया। हाँ गुलाबी आया है। और एक मेरे पास जमुना पारी है, जमुना पारी में से एक और बच्चा है इसका। ये जमुना पारी में इसकी फीमेल आई हुई है। वाह पूरे राउंड मॉडल में फीमेल है। तो अजान का बहुत अच्छा रिजल्ट है जी अल्हम्दुलिल्लाह। और बच्चे भी डबल हड्डी में आपके सामने पूरा राउंड मॉडल। माशाल्लाह क्या सीना है, बहुत मजेदार बच्चा है। पूरी गुलाबी, ये भी फीमेल है, पूरी गुलाबी में है, फुल गुलाबी है भाई। जी भाई तो अगर किसी को जैसे अपनी बकरियां क्रॉस करानी तो भी अलाउ करते हो आप? हाँ एक्चुअली क्या है अभी देखो बाजार में जाते ना तो टाइम वेस्ट होता है, मनी वेस्ट होता है उनका, ठीक है। तो अपनों ने इसके लिए ऐसा स्टार्ट किया है कि अपने में ब्रीडिंग का पैसा ले भी नहीं सकते और दे भी नहीं सकते। अच्छा हराम है, ठीक है। तो अपनों ने इसलिए चालू किया है कि अभी कोई बंदा है जैसा कि मिडिल क्लास बंदा है उसका टाइम भी वेस्ट होगा, मनी भी वेस्ट होगा, और फिर कोई बाहर लेकर जाते तो लगाने के बाद वो क्या है रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं रहती है कि हाँ आपकी फीमेल लग गई फिर रिटर्न होगी तो हम वापस रिटर्न लगा के देंगे। तो ये तो पूरा महीना यहाँ पे रहेगी, पूरे महीने के अंदर अपने मेल से ब्रीड होगी, पलाई पे दे सकते हैं, उसमें खाना पीना आप सब टेक केयर करें। उनको सिर्फ पलाई का चार्ज देना है, ब्रीडिंग का नहीं देना है। ठीक सिर्फ पलाई का चार्ज है वो। सही मैं समझ गया जी। तो ये आपके पास कंटिन्यू रख सकते हैं हम? हाँ कंटिन्यू है ना मेरे पास। मेरे पास इसमें एक ये फीमेल है जी, तो सामने एक फीमेल है, ये भी फीमेल है, और अपने शानू भाई है ना भिवंडी वाले जी, जी, जी। उनके बड़े भाई नदीम भाई की भिवंडी से फीमेल ब्रीड होने यहाँ पर आई थी। मतलब ये बहुत बड़ी बात है ना। हाँ भिवंडी से शानू भाई के बड़े भाई ने यहाँ पे भेजे नदीम भाई ने ब्रीड करने के लिए मेरे अजान से। तो वो मतलब सक्सेसफुल हो गया वो? अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है, उनको भी बेनिफिट हुआ है, वो भी खुश है, और इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो उनके वहाँ रिजल्ट आएगा। तो बॉम्बे में से अगर किसी को बकरी भेजनी है आपके पास तो शानू भाई से भेज सकते हैं? शानू भाई से भेज सकते हैं, आप यहाँ से ले लेंगे। सानू भाई ने देखा हुआ है मेरा घर वगैरह, और जब वापस भी देना है तो लेके जा सकते हैं। तो सानू भाई ही लेके जा सकते हैं। बहुत अच्छी बात बोले। और आपसे हमेशा एक टॉपिक पे बात होती है मेरी कि जो बकरियां है आपके पास में 8-8 साल पुरानी बकरियां है जी जी, जो लोगों के दिमाग में बात बैठ गई है ना मेरे को पट चाहिए, दो दांत चाहिए। नहीं यही देखो यही मेन मकसद है मेरा आज का टॉपिक कि आज जो पब्लिक यूँ बोलती है ना कि यार 6 दांत 8 दांत बकरी मेरे को नहीं, यार कोई 2 दांत 2 4 दांत 2, तो 6 दांत 8 दांत बकरी में तकलीफ क्या है, दिक्कत क्या है? आप उसका वेतर देखो कितनी मर्तबा बच्चा दी है वो देखो, दांत मत देखो जी, ठीक है ना। दांत तो क्या है 2.5 साल में हो जाते पूरे दांत जी, इतना मेरे को मेरा अंदाजा है वहाँ तक मेरे को पता कि 2.5 साल में पूरे दांत कर लेते ये, ठीक है। ये देखो मेरे पास फीमेल है, अभी मैं आपको बताऊँ इसकी 3 जनरेशन तो मेरे पास खड़ी है। इसकी बेटी ये है, ठीक है, देख लीजिए मॉडल स्ट्रक्चर लेंथ आप वगैरह। आपका ध्यान राउंड मॉडल पे बहुत है मेरे को लग रहा है ना। हाँ फुल राउंड मॉडल में देखिए आप, उसका भी फुल राउंड मॉडल है, इसका भी फुल राउंड है, इसकी झालर है, उसकी भी झालर है। एक और चीज उसका भी राउंड है, वो उसकी बेटी है। बेटी है। अच्छा इसका बच्चे, दोनों बच्चे बम्बई में मैंने बेच दिया हूँ। क्या जनरेशन है माशाल्लाह। इसके एक बच्चा मैंने बम्बई में बेच दिया हूँ, और वो जो जा रही है ना उसके भी 2 बच्चे सोए भाई लोखंड वाला बेच चुके हैं। यानी 1, 2 और 3 जनरेशन तो यहीं पर है, और इनके दूसरे बच्चे बिक चुके हैं, यानी 6 जनरेशन में है ये। और सबसे पुरानी बकरी जो है ये है ना? नहीं सबसे पुरानी वाली जो आपने देखी थी ना वो मेरी मर गई अभी। अच्छा मर गई। हाँ उसको हमने यही पे दफन किया है जी। तो जो बच्चे उसकी पीढ़ी है अपने पास? नहीं वो लास्ट टाइम क्या मेरे पास एक भाई आए थे जैसा कि आपने वीडियो में बताया था कि आप फीमेल सेल कर दोगे, तो उसी के वजह से क्या मैं रखना नहीं दे देता हूँ सब कुछ,
यहाँ जो भी छोटी बड़ी जो जैसी भी फीमेल रहती है देता हूँ मैं तो, किसी को मना नहीं करता हूँ जी। तो भाई जीत करके मेरे से लेके गए थे जी, दे दिया था और उसके कुछ दो महीने के बाद ही इंतकाल हो गया। सही है। तो आपका ऐसा मानना है कि बकरी कितने भी दांत पे हो, अगर उसकी डाइट वगैरह आप फॉलो करा रहे हो तो आप उससे बच्चे ले सकते हो? जी जी, डाइट पे जाता है, अपनी टेक केयर पे जाता है, अपने उसको कैसा खिला पिला के। ये बकरी कितनी साल पुरानी है आपके? ये कम से कम होगी 4 साल पुरानी है। माशाल्लाह, आपके यहाँ बहुत ओल्ड ब्लड लाइन है। हाँ, सब पूरी ओल्ड ब्लड लाइन और प्योर पतीरा ब्लड लाइन है अभी अपने के पास जी। ये देखो अभी आप, ये है बराबर, इसकी तो आपको 6 जनरेशन में नहीं, यहीं पे दिखा दी। क्या नाक है भाई उसका, फेस देखो आप, पूरा राउंड फेस और आगे का नाक का, मतलब ऐसा लग रहा है हॉन्टेल बना रहे हो यहाँ पर। वो जैसा हंटल में आता है ना, बस ऐसा उसका फेस। जैसे आप राउंड मॉडल बोलते हो ना, मैं तो बोलूंगा ये तो एकदम रॉयल मॉडल हो गया है ना। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत नायाब चीज है। तो इसके अलावा जैसे सेलिंग वगैरह भी होती है अपने पास? हाँ, सेलिंग वगैरह। पलाई एक हो गई, ब्रीडिंग करवानी है तो पलाई पे रखो जी। ये एक टॉपिक कवर किया हमने। हाँ। और अगर किसी को बच्चे वगैरह चाहिए तो आप सेल आउट करते हैं भाई? जी जी, दे देते ना। ठीक। ऐसे तो ये आपका ब्रीडर है अभी, पर अगर कोई इंटरेस्ट दिखाए तो आप देंगे ये? इंशाल्लाह, अभी तो गिनती नहीं है, लेकिन अगर कुछ रहा, कोई इंटरेस्टेड बंदा रहा, जेन्युइन बायर है जी, तो फिर सेल कर देंगे इंशाल्लाह, अल्लाह ने चाहा तो। और इसका अगर जो कोई मेल बच्चा मेरे पास आ गया सेम कॉपी जी, क्योंकि आपको जैसा मैंने बताया जी, इसका बाप मेरे पास था, इसके बाप का बाप भी मेरे पास था जी। ठीक है, ये मैं पकड़ के पंच नहीं बता रहा हूँ, अपने आप बता रहा है। आप देखिए, राउंड भी है प्लस पंच में भी है और गला पट्टी झालर भी है। हाँ, फुल झालर पट्टी का बच्चा है। कल हम लोग ने एक फार्म कवर किया, शाहिद गोट फार्म जी जी, वहाँ पर आपकी बहुत टॉप क्वालिटी की बकरी देखा है भाई ने। पतीरा मुंडी फीमेल। हाँ। मैंने उनको एक दिया था, बहुत मतलब नायाब बकरी हो जी। और शायद वो भी आगे सेल कर दिए शायद। हाँ, वो उनके कुछ भाई है संबंध में है, उनको ही दिए रिलेशन में। पतीरा में ये कम से कम 12.5-13 कान है इसके। अच्छा। कम से कम 12.5-13 कान है इसके। इसकी आप लेंथ देखिए, बहुत जबरदस्त है माशाल्लाह। लेंथ में भी पूरा है, डबल हड्डी में है, बच्चे भी डबल हड्डी में दे रहा है। इसका वजन क्या होगा अंदाजा? वजन का अंदाजा अपने को भी इतना नहीं है, वजन के अंदाजे में 80 होना चाहिए। ज्यादा ही होगा क्योंकि बाल उतारे हुए हैं ना इसके। बाल उतारे हुए, इसके लिए अंदाजा नहीं मिलता है। लेकिन बकरा फुल भरा हुआ है और अभी इसमें अभी और बहुत गुंजाइश है जी जी। ये बहुत तो अभी क्या अपने ब्रीड ले रहे ना भाई, इसके लिए इसको चढ़ा नहीं रहे, वो फिर क्या ब्रीडिंग के टाइम पे फीमेल को बिठा देता है ये नीचे। थोड़ा डाइट शेयर करना चाहेंगे क्या सोहिल भाई? जी। डाइट में क्या क्या दे रहे हैं आप? सुबह में एक टाइम पहले इसको हम जब खोलते ना, तब जो देसी चने आते ना जी, देसी चने का उसको हम भूसा करके देते जी। ठीक है, देसी चने का भूसा करके देते, उसके बाद उसको छोड़ देते, 2 घंटे ऐसे ही घूम लेता है। उसके बाद सूखे के अंदर तुअर भूसा डालते, तुअर भूसे के बाद फिर हम लोग डालते मूंगफली का भूसा डालते जी। और फिर शाम को हरी पत्ती के साथ में गेहूं जौ मकई चने की दाल, चने का छिलका और घोड़ा जीरा जी। और हर 4 दिन के अंदर एक बार हिमालय बत्ती सा, ये मिलाकर हम लोग देते हैं इसमें। माशाल्लाह जी भाई। है ना, ये एक छोटा बच्चा दिखाएंगे ये बकरा जी भाई? ये पलाई पे क्या आपका ही है? ये भाई अपना खुद का है। वाह भाई, नायाब है एकदम ये। ये असीम भाई 10 दिन का बच्चा मैं लेके आया था। अच्छा। इसकी माँ यहाँ पर नहीं है, इसको घर पे लाके तैयार मैंने किया है। बहुत नायाब, क्या नस्ल बोलेंगे वैसे? ये हाईपेड में है। हाईपेड में ना? हाँ, हाईपेड में है, लेकिन इसको प्योर हैदराबादी बोल सकते हैं, क्योंकि माँ प्योर हाईपेड और बाप प्योर हैदराबादी था, तो इसको लकब हैदराबादी दे सकते अपने प्योर। आप इसका पंच देखे, आगे का नाक का जो जैसा मैं बोलता हूँ राउंड फेस। हाँ, राउंड देखे, राउंड मॉडल, नर मॉडल, नर मॉडल में मार्बल खूर है और गुलाबी पन आपके सामने है, डबल हड्डी मतलब का बच्चा पूरा है। ही व्हाइट है, अगर वो ब्राउन आंखें और पूछ छोड़ दे तो। हाँ, पूरा व्हाइट है। और अभी इसके कान 14+ कान है और 5 चकलान है। तो ये देंगे आप किसी को चाहिए तो इंशाल्लाह, अगर कुछ रहा है उसमें भी कोई अच्छा बायर रहा है इसके, ये अच्छा ब्रीडर बन जाएगा। हाँ, एज ए ब्रीडर तरीके ये, अगर कोई इंटरेस्टेड बंदा है, इसकी वैल्यू समझ सकता है जी, हाँ, तो अपने इसके लिए कुछ सोचेंगे, दे देंगे। और माशाल्लाह, मैं एक बात और बोलना चाहूँगा, मैं अभी शोलापुर में भी था
जी, और जी, आगे भी काफ़ी जगह जाता रहता हूँ। बहुत तारीफ करते हैं लोग आपकी भाई, खास करके बोलूँगा उस्मान गोट फार्म पे गया था जी, जी, तो जी। उस्मान ने भी काफ़ी तारीफ की आपके लिए। जी जी जी, माशाल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया चाहूँगा उस्मान भाई का। उस्मान भाई ने तारीफ की। आप इसकी देखो, अभी से गला पट्टी देखिए इसकी, ये आप देखिए इसकी गला पट्टी देखिए, पूरी देखिए, यहाँ से कहीं पे भी रुक नहीं रही है इसकी। आप चालर पट्टी देखिए, असली ब्रीडर इसको ही बोलते हैं ना, जिसकी गला पट्टी नीचे तक हो। देखो यहाँ से चालू होती है ना, तो यहाँ तक सीने से लेके नीचे तक जा रही है इसकी, देखिए आप। ये बाद में लटक जाएगी ना उम्र के साथ, पूरी लटक जाएगी ये, इसको लटक भी बोलते हैं फिर। हाँ, ये पूरी लटक जाएगी। आंखें भी एकदम वाइट है, एकदम वाइट आंख में है। बहुत शानदार बकरा है माशाल्लाह। और अब ये सिर्फ 5 महीने का है। अच्छा, ये 8 तारीख को 5 महीने का हुआ है ये। अच्छा, मतलब आपको पूरे डेट से भी याद है। याद है मेरे को, माशाल्लाह, लिखा हुआ है मेरे पास इसका पूरा। बहुत रॉयल शॉट है। माँ का नाम पिंकी है जी, ठीक है, और बाप का नाम बादशाह है, जो गीतपुरा से फेमस है। अच्छा, हाँ, गीतपुरा से इसका बाप फेमस है, और माँ का नाम पिंकी है। और इसका नाम क्या है? इसका नाम सरताज है। सरताज, हाँ, ये सरताज के लिए मैं स्पेशल एक छोटी फीमेल लेके आया हूँ, उसका नाम हमने बेगम रखा है। बेगम, सरताज की बेगम, सरताज की बेगम है वो, दिखाएंगे? हाँ, बेगम? मैं आपको वो भी दिखाता हूँ। तो दोस्तों, इसी को शौक बोलते हैं कि आगे की तैयारी भी करते हैं। सरताज की बेगम भी देख लेते हैं। अच्छे लेंथ का बच्चा है भाई, मतलब आगे चल के एक अच्छा ब्रीडर साबित होने के इसमें गुण है। आप देख सकते हैं गरम भी है, 5 महीने में इतना गरम बकरा है। वाह भाई, ये तो नायाब बकरी है सोहेल भाई। ये असीम भाई, ये भी सेम एज की है, जैसा वो 5 महीने की, 5 महीने का था, ये भी 5 महीने की है, ठीक है। पूरी वाइट गुलाबी मुंडी, वाइट आंख और पंच फेस के अंदर, इसका भी राउंड देख लीजिए आप जी। यानी अपना जो जितना भी है क्वालिटी, सारे में आपको मैं तो राउंड मिलेगा। जैसा हैदराबाद में भी और एक ब्रीड लाइन चलती है ना, तो मैं तो ये चाह रहा हूँ, और आप भी अगर इस पे काम करें ना, कि रॉयल ब्रीड लाइन बनेगी आपकी इंशाल्लाह। अभी क्या है, प्योर पतीरा में कोई काम नहीं कर रहा है, सब हाईपेड में कर रहे हैं, तो इंशाल्लाह वही मैंने देख कर प्योर पतीरा में अभी मेरा काम कर रहा हूँ मैं जी। क्या बकरी है बेगम, नाम की नहीं और काम की बेगम है। वाह, इसको हम लोग सरताज के लिए स्पेशल लाए हुए जी। इंशाल्लाह ये अगर जो बड़ी हुई, अल्लाह ताला ने चाहा, ठीक है, तो इंशाल्लाह हम लोग सरताज से इसकी ब्रीड लेंगे, और फिर इसके बच्चे आप आगे सेल करें इंशाल्लाह। सेलिंग का मुतालबा ये होता है कि ये जो नस्ल है आगे तक पहुँचे जी, जी, एक एक जगह पे पहुँचे, जो आप लोग कर रहे हो। जैसा मेल के अंदर देखते हैं ना झालर वगैरह, माशाल्लाह, अभी आप इसमें भी देखिए, अल्हम्दुलिल्लाह, ये देखिए, हाँ, उसकी भी इधर से चालू होती है ना गले से, हाँ, तो सीने तक आती है, देखिए आप जी। यानी अब जितनी जैसे बड़ी होगी ना, वैसे ये और बढ़ेगी। बहुत नायाब नस्ल आप रेडी कर रहे हो यहाँ पर, है ना जी भाई, माशाल्लाह। तो ऐसे बच्चे आते रहते हैं, किसी को चाहिए तो आपसे कांटेक्ट कर सकते हैं क्या? जी जी, जरूर जरूर, आपका नंबर हम देंगे। क्या है, साल के 12 महीने तक अपने पास अवेलेबल नहीं रहती है जी। मैं कैसा एक साथ में झमेला नहीं करता हूँ, मैं दो दो तीन तीन फीमेल ब्रीड कराता हूँ, फिर उसके 2-3 महीने के बाद दूसरी 2-3 बी आएगी, उसके 2-3 महीने के बाद 2-3 बी आएगी, इस तरीके से मैं साइकिल पूरी चलाता हूँ। सही। हाँ, और इसके अलावा ये एक शेड के बारे में पूछना था, ऊपर एक काय का शेड बनाया आपने, ये और कितना अच्छा काम कर रहे हैं ये क्या है भाई, सबके लिए इजी है ये जी, इतना कॉस्टली भी नहीं है जी, और गर्मी के लिए सबसे बेहतर है ये जी। बम्बू वगैरह रहते हैं ना, हाँ, ये बम्बू वगैरह ले लेने के, और ऊपर जो सूखा घास बोलते हैं, हाँ, जैसे कि अपने ये हो गया, उसको क्या बोलते हैं, मकाई का पूला हो गया, बाजरी, हाँ, का पूला हो गया, ठीक है, सूखी घास रहती है ना, हाँ, उसका वो लेकर, और बीच में देखो ऐसी पट्टी लगा देने की जी, हल्की सी, और उसको बांध के फिर इसके ऊपर रख देने का, और ऊपर प्लास्टिक डाल देने का, तो उसमें क्या है, शेड का शेड रहेगा, बारिश में भी आसानी रहेगी, और गर्मी के अंदर सबसे बेस्ट है, इसमें ठंडक रहेगी। बहुत अच्छा है माशाल्लाह जी। और गर्मी महसूस नहीं हो रही है? हाँ, इसमें गर्मी महसूस होगी भी नहीं, तो दिन में बकरे यहाँ बैठ जाते हैं, दिन में बकरे यहाँ, जब उनको धूप चाहिए तो बाहर चले जाए अपनी मर्जी से, अपनी मर्जी से धूप जिसको सेकनी है वो बाहर चले जाएंगे, और जिसको अंदर छांव में रहना है वो छांव में रहेंगे। सही है, बहुत मजा आ गया भाई। एक बार कुछ मेहमान है उनसे भी आप मुलाकात करा दीजिए, फिर अपना स्टोरेज रूम है पूरा देख लेते हैं। ये चारा काय का दे रहे हैं आप? ये मूंगफली है, मूंगफली का
ये हरी पत्ती है, तुअर के लिए अलग एक और एक्स्ट्रा रूम मैंने बनाया हुआ है जी। इसके अंदर हरी पत्ती हम एक्स्ट्रा अलग से निकाल, हरी पत्ती अहमदाबाद में मिल जाती है आराम से? ऐसे तो नहीं मिलती, लेकिन यहाँ बड़े बड़े डीलर है लाके रिटेल में ये लोग बेचते अच्छा, तो हो जाता है, हो जाता तो है। मैं क्या एक टन डेढ़ टन एक साथ में ले लेता। और तुअर भूसा? और तुअर भूसा भी अपने यहाँ आजू बाजू के एरिया में जब सीजन होती है ना तब मैं भर लेता हूँ, भर के रख देते हूँ, स्टॉक कर लेता हूँ। अभी मेरे पास ये यहाँ पर जितनी मूंगफली पड़ी है ना उससे डबल एक और रूम में अलग से एक्स्ट्रा में रखी हुई है। सही है, बारिश में दिक्कत नहीं आनी चाहिए, खाना मिलता रहेगा। हाँ, खाना मिलता रहेगा। अनाज में क्या दे रहे हैं? अनाज में देखो देसी चने भी दे रहे हम लोग, ठीक है। देसी चना का हम भूसा कर देते हैं, यानी चना चुनी जो आती है ना वो नहीं, देसी चने को लेके हम लोग उसका भूसा करवाते हैं, ठीक है। और उसके अंदर ही हम लोग मिला देते हैं, के अंदर ये अनाज मिला के देते हम लोग। गाँव जाओ, मकाई है, चने की फोतरी है, चने की दाल है अंदर, ये बहुत न्यूट्रिशन वाली है। हाँ, चीज है। इस तरीके से हम लोग अंदर मिला के देते अनाज। अच्छा, हाँ, ये इसके अंदर देखो चने का भूसा जो मैंने बोला ना वो आ गया इसमें। सही है, इसमें घोड़ा जीरा भी आ गया, घोड़ा जीरा। हाँ, और फिर इसी के अंदर हम लोग हिमालय बत्ती साइड कर देते, तो और हाजमे के लिए बेहतर हो जाता है। हाँ, हाजमे के लिए बेहतर रहेगा। आइए, ये अभी सब अनाज वगैरह खा के सब आराम फरमा रहे हैं। सही है, तीन सेक्शंस में फार्म है, मैं बता दूं। एक ही अंदर का सेक्शन रात के लिए, और हमने इसके लिए मच्छरों के लिए ये लगाया हुआ है। इसके अंदर हम लोग कछुआ छाप अगरबत्ती जला देते हैं तो मच्छर सब भाग जाते हैं, तो इससे मच्छर दूर रहते हैं, है ना। तो रात में यहाँ धूप के वक्त यहाँ, और अगर धूप सेकनी है तो धूप में जाओ, मतलब पूरी आज़ादी है बकरों को। यहाँ इमरान भाई क्या बोलते हैं आप, क्या कहना चाहोगे रैबिट्स के बारे में? हमारे सूरजमुखी के शौक बहुत जबरदस्त शौक है, और ये शौक देख के लेके आए खरगोश, और ये खरगोश को कोई कुछ भी बोले मगर मैं तो बोलूंगा पतीरा खरगोश। पतीरा खरगोश में भी आपके उधर बम्बई में सबसे ज्यादा रेड आइस मांगते ना। हाँ, हाँ। इनकी भी रेड आइस है। हाँ। इसके कान वगैरह देखो, व्हाइट और गुलाबी का कॉम्बिनेशन है इसमें, आंखें तक गुलाबी। हाँ, गुलाबी है, ठीक है। बच्चे अपने यहाँ दी थी कि लाए थे आप? नहीं, ये बच्चे अपने वहाँ ही दिए। इसमें जो बड़े वाले बच्चे दिखते हैं ना, हाँ, वो एक महीने पहले के हैं। अच्छा। छोटे वाले उसके एक महीने बाद के, साथ में रह लेते हैं। साथ में रह लेते हैं। तो आगे चल के इसकी फार्मिंग बढ़ाने का देखते हो आप, कैसे शौक है? ऐसे शौक से रखता हूँ, ठीक है। अभी इसके अंदर रैबिट में मैंने अंगूरा रैबिट मंगाए हुए, अंगूरा। हाँ, बड़े वाले, बड़े वाले, ठीक। सो हमारे बॉम्बे से भी आपके बहुत चाहने वाले आते रहते हैं ना? जी जी। सो आज भी कुछ भाई और बैठे हुए हमारे जी, सब हमारे अजीज भाई है जी, अबरार भाई को तो सब जानते ही है जी, सुफियान भाई है, सुफियान भाई, सानू भाई है, और ये हमारे उस्ताद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये जावेद भाई इनका नाम है, हमारे उस्ताद है। So, पतीरा में किंग है, पतीरा में नहीं है लेकिन अल्लाह का शुक्र है। मेरा तो सोजत का ही सबसे ज्यादा शौक है, लेकिन फिर भी आज पतीरा है मेरे वाड़े पे तो जावेद भाई के लिए, यानी मेरे उस्ताद है ये। तो पतीरा का शौक आप कब से कर रहे हैं भाई? यूँ समझ लो कि कुछ 20-22 साल से। 20-22 साल। सो आज भी अच्छे पतीरा आ रहे हैं कि कमी हुई है, आपको क्या कमी हुई? तो ये क्या ऑल ओवर इंडिया जा चुके हैं अभी, इसके लिए कमी हो रही है कि क्या वजह क्या है कम होने की? वजह कुछ फार्म में और कुछ क्रॉस ब्रीडिंग के हिसाब से कम है। क्रॉस ब्रीडिंग, ये बहुत बड़ी बात बोले ना, इधर हैदराबादी और क्रॉस के कारण हिसाब से क्या है पतीरा भी, इसलिए अभी अपने क्या प्योर में चल रहे, प्योर पतीरा पे अपने अभी काम कर रहे हैं। इसलिए आगे चल के क्या लगता है आपको, वापस से ये ब्रीड सुधरेगी कितना टाइम लगता है? मेरा मानना ऐसा है कि पतीरा ऑल इज गोल्ड, पतीरा सही है और पतीरा रहेगा इंशाल्लाह, बस लोग इस पे ध्यान दें जैसा अभी हमारे सोहेल भाई दे रहे हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। सो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आपके कुछ जो बकरे देने हैं अगर आपको जी, तो वो दिखा देंगे, एंड कुछ पलाई का रिजल्ट भी बता देते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया भाई।
आपके नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, अल्लाह हाफिज़।